आपके यहाँ कोई भी खुशी ऐसी नहीं है जो बिना संगीत के मनाई जा सके, यानी ऐसा कोई विचार ही नहीं है जो बिना संगीत के एक्सप्रेस किया जा सके, तो हाउ कैन यू कीप पॉलिटिक्स आउट ऑफ म्यूजिक? कैसे आप राजनीति को, अगर राजनीति को बाहर रखना है तो देशभक्ति को भी बाहर रखो ना, फिर देशभक्ति के गाने होने ही नहीं चाहिए फिर तो। ये भी गलती हुआ। अगर मैं ये कह रहा हूं मेरा भारत महान, तो ये भी कहना गलत हुआ ना कि आप तो संगीत के माध्यम से आप तो राजनीति में जा रहे हो, ये पॉलिटिक्स नहीं है क्या? इस हिसाब से तो पेट्रियोटिक सॉन्ग्स बैन कर दिए जाने चाहिए, और किए गए थे प्री इंडिपेंडेंस एरा में। इन सारे राइटर्स की लेखनियां बैन कर दी गई। एक वीडियो देखने में शास्त्रीय संगीत की क्लासिकल बातें हम जब सिखाते हैं उसको जानने में मौत आ रही है लोगों को। अगर मैं तिहाई के बारे में, राग के बारे में बताता हूं, अलंकार के बारे में, अलंकार किस तरह से गाना चाहिए, रियाज किस तरह करना चाहिए, सवेरे 4 बजे उठने को कह दिया तो सबकी मतलब मौत आ गई। लेकिन यही हमने एक राजनीति पे कुछ कह दिया, विचारधारा अपनी एक्सप्रेस कर दी संगीत के माध्यम से, तो सबको मिर्ची लगी कि ये तो आप गलत कर रहे हैं, आपको तो आउट रखिए वरना हम अनसब्सक्राइब कर देंगे, धमकियां मिल रही हैं हमें। ना लिखे, सिर्फ वही 2-4 सैड रोमांटिक नायक नायिका उसी पे लिख दें, मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, बस इसी पे लिख के खत्म करें संगीत को। अगर लोगों को इतनी ही पढ़ी थी शास्त्रीय संगीत की, जो ये कह रहे हैं ना कि पॉलिटिक्स आउट ऑफ म्यूजिक, उन्हें इतनी ही म्यूजिक की पढ़ी है, तो क्यों नहीं करते म्यूजिक को प्रमोट? कर रहा है कोई शास्त्रीय संगीत को प्रमोट? कोई नहीं कर रहा। करो, पहुंचा दो हमें मिलियंस तक, हम बंद कर देंगे। यही बोला पिताजी ने कि पहुंचा दो हमें 10 लाख तक, हम सारे वीडियो डिलीट कर देंगे जितने हमने पॉलिटिक्स पे बनाए। लेकिन आज 24 घंटे में 1 लाख सब्सक्राइबर्स चाहिए, अभी के अभी। राजनीतिक मुद्दे हैं, यही मुद्दे हैं, इन पर पिक्चरें क्यों बना रहे हो फिर? बाहर रखो, पैडमैन बनी, ये सारी क्या है, ये सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है ना, इन पर पिक्चरें क्यों बना रहे हैं? आर्ट बाहर रखो ना फिर, इस पे गीत क्यों बन रहे हैं? अच्छा, उसमें उस मूवी में जो गीत आ रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, वो गीत अच्छे, उनको प्रमोट करो। है? और हमने गीत लिख दिए तो बुरा? भाभी बा, कल कह रहे थे ना पापा कि वो करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। बिल्कुल फ्री, ज्वाइन कर सकते हैं हर शनिवार को, हर शनिवार शाम 8 से 9 प्राइम टाइम आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें संगीत के अच्छे अच्छे कलाकारों को हम यहां आमंत्रित करते हैं और आप सब से मिलवाते हैं। पॉलिटिक्स, राजनीति संगीत से अलग रखनी चाहिए, ये सलाह आज से नहीं बहुत वक्त से हम लोगों को दी जा रही है। हम लोगों को, मैं बोलूँगा तो स्पेसिफिकली हम लोगों को, संगीत प्रवाह वर्ल्ड के चैनल को। संगीत प्रवाह वर्ल्ड के चैनल पर आज से नहीं बहुत समय से पॉलिटिकल सटायर्स, राजनीतिक गीत, या जो भी देश में चल रहा है उस समस्या पर कुछ लिखना या कुछ गाना, ये मेरे पिताजी की, पंडित अवध किशोर पांडे जी की एक नीति रही है। एक तरह से उन्होंने ये किया है और हमें हमेशा से इस चीज़ के लिए नेगेटिव जो है सपोर्ट मिला, बहुत पॉजिटिव भी मिला पर नेगेटिव भी मिला। कल ही जो हमने गीत रिलीज़ किया उस पर भी बहुत नेगेटिविटी आ रही है कि आपको संगीत से पॉलिटिक्स को दूर रखना चाहिए, राजनीति को संगीत से अलग रखना चाहिए। आज उमूमन मैं ये चीज़ करता नहीं हूँ कि नेगेटिव कमेंट्स या क्रिटिसिज्म जो होता है उसको रिप्लाई करूँ, उस पर जवाब दूँ कुछ, उन लोगों को उनके कटाक्ष पर एक कुछ भी जवाब दूँ, मैं नहीं करता हूँ ऐसा। इस बार क्यों कर रहा हूँ उसकी एक वजह है ना, कि क्या राजनीति का या पॉलिटिक्स का आर्ट से लेना देना होता है या नहीं होता है, या ये सिर्फ एक हमारे पिताजी का या हमारे चैनल का एक पब्लिसिटी स्टंट है, व्यूज कमाने का तरीका है, या वाकई आर्ट का लेना देना है या नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना है, बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम सुना है ना, इन सब के नाम सुने हुए हैं, राहत इंदौरी साहब का नाम सुना है, मुनव्वर राणा का नाम सुना है, कुमार विश्वास का नाम सुना है, ये सब कौन है? दे वर ऑल पॉलिटिकल राइटर्स, राजनीतिक कवि, राजनैतिक कवि जो राजनीति पर लिखा करते हैं, है ना? और ये आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है। जब 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 से जो जो समाज में जो जो कुछ हुआ है वो इंसान ने एक्सप्रेस किया है अपने आर्ट के माध्यम से, कला के माध्यम से, जो भी कला उसको आती है, लिखना आता है वो लिखेगा, गाना आता है वो गाएगा, है ना, ये रहा है। हाल ही में जो वीडियो रिलीज़ किया उस पर कई कमेंट्स आए, कुछ लोगों ने पर्सनली भी मुझसे संवाद किया। कल ही जब एक ऑनलाइन क्लास में ले रहा था
उस व्यक्ति ने मुझसे ही सवाल किया कि ऐसे कॉन्वर्सेशन ऐसे शुरू करी कि अच्छा इंडिया में इलेक्शंस चल रहे हैं शायद, तो मैंने कहा नहीं चल तो नहीं रहे पर होने वाले हैं। तो बोले कि नहीं वो आपने गाना निकाला नरेंद्र मोदी जी पर, तो मुझे लगा आप सपोर्ट करते हैं और ऐसा कुछ। तो मैंने कहा हाँ, जो भी पॉलिटिक्स जो भी हमारे देश में चल रहा है उस सिचुएशन को मैं ज़रूर उसमें अपना मत रखने का हकदार हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, डेमोक्रेसी है ना, कि मैं कह सकता हूँ जो भी चल रहा है देश में उस पर मैं गा सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो बोले कि डोंट यू थिंक कि पॉलिटिक्स को संगीत से अलग रखना चाहिए, जो आप काम करते हैं शास्त्रीय संगीत का काम है, तो डोंट यू थिंक कि पॉलिटिक्स को यानी राजनीति ये जो सब गंदी चीज़ें हैं एक तरह से है ना, ये माइंड गेम्स, इसको संगीत से अलग रखना चाहिए। तब मैंने उन्हें जवाब देते हुए दो चीज़ें समझाई, आज वही चीज़ें मैं आपको भी समझा रहा हूँ। दो प्रकार के कलाकार होते हैं, टू टाइप ऑफ आर्टिस्ट्स, मैं सिर्फ संगीतकार या गाने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, कलाकारों की कैटेगरी बता रहा हूँ, दो प्रकार की कैटेगरी होती है। उनको ये जवाब दिया जो आप कह रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स को संगीत से बाहर रखते हैं। मैंने कहा एक सच्चा कलाकार वो होता है जो पूरी दुनिया को संगीत से बाहर रखता है, जिसके लिए संगीत के अलावा कुछ नहीं होता है। पॉलिटिक्स तो बहुत दूर की बात है, वो तो आपके अपने भी नहीं है, आपके जो रिश्तेदार होते हैं आप उनको भी संगीत से दूर कर देते हो, यानी आप सब कुछ छोड़ देते हो, त्याग करते हो, स्पिरिचुअलिज्म में जाते हो, मेडिटेशन में जाते हो, अध्यात्म में जाते हो, वो सच्चा कलाकार होता है। अगर आप कला की ही बात कर रहे हो तो वो चीज़ मैं भी जानता हूँ कि कला का असली मतलब क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या, फिर पूरी दुनिया उससे बाहर होती है। मैंने एग्जाम्पल मीरा का दिया, हर बार देता हूँ कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, कि किस तरह से उसने सब कुछ छोड़ दिया, राजपाट घर परिवार पति बच्चा सब कुछ छोड़ के सिर्फ कृष्ण में और अपने संगीत में लग गई, लिखने में लग गई, अध्यात्म में चले गए, है ना। वो होती है संगीत की असली स्टेज, कि फिर आप सिर्फ राजनीति नहीं सब कुछ त्याग देते हो, आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, इवन दूसरा कौन है ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आप मेरे पिता हैं, आप मेरे पुत्र हैं, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरी बीवी हैं, ये बहुत दूर की बात होती है। आप ये तक भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, अपना आप भुला देते हैं, अपने आत्म का भी ज्ञान नहीं होता आपको, वो संगीत वो कला होती है ना। जैसे कि मैंने बताया कई कलाकार ऐसे भी हैं जो इस दीवानगी तक पहुंच जाते हैं, उन्हें होश नहीं है, उन्होंने पहन क्या रखा है, वो खा क्या रहे हैं, लाइव देखे हुए हैं हमारे ऐसे कलाकार जो इस कला में पागल हो चुके हैं, सब कुछ भुला दिया, फकीर हो गए हैं। बुल्ले शाह जिनका मैंने एग्जाम्पल दिया, संत कबीर, उनको कोई लेना देना नहीं है कौन मेरा अपना कौन मेरा पराया, उन्हें अपनी कला से मतलब है सिर्फ और अध्यात्म से मतलब है। तो कला ईश्वर प्राप्ति का सर्वोत्तम माध्यम है, ये मैंने उन्हें कहा, कला ईश्वर प्राप्ति का सर्वोत्तम माध्यम है, है ना, सबसे बड़ा सबसे उत्तम माध्यम है कला। अब वो मुझे कहते कि मैंने उन्हें एग्जाम्पल भी दिया, मैंने कहा इस्लाम में भी होता है, जब आनंद की पराकाष्ठा हो जाती है तब रक्स किया जाता है, नृत्य नाचा जाता है, रक्स एक रिवाज है इस्लाम में, हमारे यहाँ भी होता है, नृत्य आनंद की पराकाष्ठा है, नाचा जाता है, आनंद आता है तो आप नाच उठते हैं, ऐसे स्टिल नहीं बैठ सकते हो, म्यूजिक में मजा आता है तो ये चलना शुरू हो जाता है, ये होना शुरू हो जाता है, तो वो क्या है, वो आनंद की पराकाष्ठा है जब नृत्य होता है ना, तो वो उसमें भी होता है ना। तो फिर आप कहेंगे कि ये फिर कैसा संगीत हो आपके, वैसे तो देखा जाए तो इस्लाम में तो ये हराम भी होता है संगीत, कि अलाउ नहीं है, तब भी किया जाता है। तो संगीत अध्यात्म से जुड़ता है, कला जो है अध्यात्म से जुड़ती है, तो पॉलिटिक्स या कोई और चीज़ तो वैसे भी उसमें मानी नहीं रखती है। ये पहले टाइप का कलाकार होता है। दो प्रकार के संत भी होते हैं, एक वो संत जो सब कुछ छोड़ के और जंगल में चला जाता है, योगी जो वहाँ जाके साधना करता है, और दूसरा वो संत होता है जो दुनिया में रह के इसको समझ के इसे सुधारता है। दो प्रकार के होते हैं, शास्त्रों में लिखा है ना। अब आते हैं दूसरे प्रकार पे, जो हरकतें हम लोग कर रहे हैं। आर्ट क्या करता है, एक्सप्रेस करता है जो भी आपके मन में चल रहा है। मैंने यही बताया, हमेशा से यही बताया, आर्ट क्या, एक लैंग्वेज है, एक भाषा है जो आपके विचारों को एक्सप्रेस करती है। आपको पानी पीना है, आप एक भाषा से बोलेंगे मुझे पानी पीना है। अगर सामने कोई होगा जो हिंदी भाषी नहीं है तो आप बोलेंगे आई वुड लाइक टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, इंग्लिश में बात करेंगे उससे, है ना। और अगर वो इंग्लिश भी भाषी नहीं है, वो जो भी भाषा बोलता है, फिर आप उसकी भाषा में उसे बोलेंगे। तो क्या कर रहे हैं, विचार का आदान प्रदान, भाई विचार आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। आर्ट भी वही है, विचार एक्सप्रेस करने का है। तो अगर आर्ट को मैं ये कहता हूं कि सोसाइटी को जगाने का काम करता है आर्ट, तो इसमें क्या बुरा है, होता आया है, हमेशा से होता आया है। आर्ट माध्यम बना है सोसाइटी में जो चल रहा है उसको जगाने के लिए। मैंने बोला अगर कलम न होती तो इंकलाब ना आता, रिवॉल्यूशन,
रिवॉल्यूशन भी नहीं आता अगर लिखा नहीं जाता तो। मेरा रंग दे बसंती चोला या जनगण मन, ये क्या है? ये शब्द देश के लिए लिखे गए हैं कि नहीं लिखे गए? इन ये क्या करते हैं? वंदे मातरम ये नारा क्या करता है? आपके अंदर वो जोश पैदा करता है कि आप देश के लिए कुछ करोगे। तो आर्ट हमेशा से यही रहा है। इवन इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस एरा में छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक प्लेज हुआ करते थे जगह जगह, गांव गांव में जाकर, ये बताने के लिए कि आजादी का महत्व क्या है, अंग्रेज हम पर किस तरह से शासन कर रहे हैं, और ये जो जो भी एक्ट्स हो रहे हैं, जैसे रॉलेट एक्ट हुआ या जो भी एक्ट जो उस समय उन लोगों ने लागू किए थे, कितने बुरे हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग क्या करा करते थे? ये लोग यही काम किया करते थे, लिखा करते थे, लेख हुआ करते थे। इन लोगों के लेख आज भी मौजूद हैं, उन लेखों से, उन एसेज से ही तो क्रांति आई है। तो क्रांति बिना कला के आ ही नहीं सकती थी, सिर्फ भाषणों से। मैंने एग्जांपल दिया, मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया हिंदुस्तान में, तो क्या हुआ? घर घर गाड़ी आती है और एक गाना बजता है। एक गाना बजता है कि नहीं बजता? क्यों बजता है? गाना नहीं बजे, सिर्फ गाड़ी आए और उसमें एक भाषण चल रहा हो कि कचरा लाओ कचरा लाओ, अट्रैक्ट ही नहीं होंगे लोग। लोगों को भाषण समझ ही नहीं आता है जब तक उसमें संगीत और गीत ना हो। और ये क्यों होता है? मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं, और आप लोगों को भी कहा ही होगा, कि संगीत नस नस में, कण कण में है, जीवन के हर अंग में है, बच्चे के पैदा होने से लेकर उसके मरने तक। पैदा होगा तो जच्चे बच्चे के गीत गाए जाएंगे, खुशियां मनाई जाएंगी कि हमारे यहाँ बच्चा हुआ है ना। कृष्ण ने जन्म लिया, जन्माष्टमी मनाई जाती है, त्यौहार मना लिया, उसमें गीत गाए जा रहे हैं कि बाल कन्हैया धरती पे आए हैं। और जब मरा है आदमी तो मैयत पे भी गाया जाता है ना। संत कबीर के भजन गाए जाते हैं निर्गुणी, शादी होती है तब गाए जाते हैं, है ना। आपके यहाँ कोई भी खुशी ऐसी नहीं है जो बिना संगीत के मनाई जा सके, यानी ऐसा कोई विचार ही नहीं है जो बिना संगीत के एक्सप्रेस किया जा सके। तो हाउ कैन यू कीप पॉलिटिक्स आउट ऑफ म्यूजिक? कैसे आप राजनीति को, अगर राजनीति को बाहर रखना है तो देशभक्ति को भी बाहर रखो ना। फिर देशभक्ति के गाने होने ही नहीं चाहिए फिर तो, ये भी गलती हुआ। अगर मैं ये कह रहा हूं मेरा भारत महान, तो ये भी कहना गलत हुआ ना कि आप तो संगीत के माध्यम से आप तो राजनीति में जा रहे हो, ये पॉलिटिक्स नहीं है क्या? इस हिसाब से तो पेट्रियोटिक सॉन्ग्स बैन कर दिए जाने चाहिए, और किए गए थे प्री इंडिपेंडेंस एरा में। इन सारे राइटर्स की लेखनियां बैन कर दी गई थी, इनकी किताबें बैन कर दी गई थी, इनकी पोइट्री बैन कर दी गई थी, क्योंकि अंग्रेज भी जानते थे कि कला में वो ताकत है कि क्रांति आ सकती है, इन लोगों के शब्दों में वो पावर है। ये जब गाते हैं मेरा रंग दे बसंती चोला तो खौल उठता है खून सभी का, सारे युवाओं का, और वो निकल पड़ते हैं सड़कों पे, मार्च करते हैं। ये जानते थे अंग्रेज, इसीलिए बैन किया गया। यानी जो जानता है कि ये असल बात बोल रहा है और गीत के माध्यम से बोल रहा है, मतलब तो ये जन जन तक पहुंच जाएगा अभी, और फिर तो खतरा है। और यही हम लोग कर रहे हैं, हम जिस इंसान को प्रमोट कर रहे हैं, हम जिस विचारधारा को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को खतरा है उससे, इसीलिए वही उबल रहे हैं, है ना। जैसा अभी मैं डिस्कस कर रहा था पिताजी से, तो उन्होंने यही बोला, ये उनका काला धन खोल रहा है, इसीलिए उनको तकलीफ हो रही है कि आप मोदी 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 कर रहे हो। भाई देश में कुछ अच्छा हो रहा है, हम उस पर बात कर रहे हैं, उस पर गीत लिख रहे हैं, हम जन जन तक वो चीज पहुंचा रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं इसका मतलब? 2500 वीडियोस पिछले 9-9.5 साल से हम लोग यूट्यूब पे दे चुके हैं, जिसमें शास्त्रीय संगीत सिखाया है, जिसको कोई प्रमोट नहीं कर रहा है। एक वीडियो देखने में शास्त्रीय संगीत की क्लासिकल बातें हम जब सिखाते हैं, उसको जानने में मौत आ रही है लोगों को। अगर मैं तिहाई के बारे में, राग के बारे में बताता हूं, अलंकार के बारे में, अलंकार किस तरह से गाना चाहिए, रियाज किस तरह करना चाहिए, 4:15 उठने को कह दिया तो सबकी मतलब मौत आ गई। लेकिन यही हमने एक राजनीति पे कुछ कह दिया, विचारधारा अपनी एक्सप्रेस कर दी संगीत के माध्यम से, तो सबको मिर्ची लगी कि ये तो आप गलत कर रहे हैं, आपको तो आउट रखिए हम, वरना हम अनसब्सक्राइब कर देंगे, धमकियां मिल रही हमें। अगर हमारे सब्सक्राइबर्स इसी तरह से जाने थे ना, तो मोदी जी के ऊपर प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी। ये पहला गाना हम लोगों ने नहीं निकाला है, ऐसे दसियों गाने हम लिख चुके हैं, और सिर्फ मोदी पे नहीं, महंगाई पे लिखा है, भ्रष्टाचार पे लिखा है। ना लिखे सिर्फ वही 2-4 सैड रोमांटिक नायक नायिका, उसी पे लिख दें, मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, बस इसी पे लिख के खत्म करें संगीत को, इतना ही लिख दें, ठीक है, कर दो लिमिट, इतने में हो जाएगा आपका संगीत, तो लोग तो कर रहे हैं ना। हाँ, हमने गाय पे भी लिखा है, गाय को कत्ल कर रहे हैं लोग, मार रहे हैं गाय को, हमने तो उस पे भी लिखा है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिस पे पिताजी ने ना लिखा हो। अगर धर्म से भी उनको जोड़ें, उन्होंने तो ईद पे भी लिखा है, दिवाली पे लिखा है, क्रिसमस पे लिखा है, रामनवमी पे लिखा है, लोहरी पे लिखा है, किस पे नहीं लिखा है और किस पे हमने नहीं गाया है। तो हम तो गाएंगे, गाते रहेंगे,
फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग कैसे रिसीव कर रहे हैं। अगर चार लोगों को पसंद नहीं आ रहा तो 40 को पसंद भी आ रहा है। अभी मैं डिस्कस कर रहा था जब पिताजी से, तो ये बात निकली कि विपक्षी जैसे जैसे गीत गा रहे हैं, विपक्षी जो लेफ्ट विंग है आपकी, है ना, वो उलझुलुल उनके बारे में बोल रहे हैं, उनके बारे में गा रहे हैं, उनको आप प्रमोट कर रहे हैं, उन वीडियोज को, उन गानों को प्रमोट किया जा रहा है इंटरनेट पर, आज वो वायरल है। और हमने अगर कोई सच्ची बात बोल दी तो उस पर कटाक्ष कि आप गलत कर रहे हैं क्योंकि हमने सच बोल दिया। झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। वसीम बरेलवी, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। सच को कोई सुनने वाला ही नहीं है, सच को प्रमोट करने वाला ही नहीं है। अभी पिताजी ने यही बोला कि अगर आप लोग, जो ऑडियंस है, वो हमारे शास्त्रीय संगीत को प्रमोट करें, इतने साल हो गए और अब तक हमारे सिर्फ 6.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं खाली, शास्त्रीय संगीत सिखा रहे हैं, वो भी सच्चा। अगर लोगों को इतनी ही पढ़ी थी शास्त्रीय संगीत की, जो ये कह रहे हैं ना कि पॉलिटिक्स आउट ऑफ म्यूजिक, उन्हें इतनी ही म्यूजिक की पढ़ी है, तो क्यों नहीं करते म्यूजिक को प्रमोट? कर रहा है कोई शास्त्रीय संगीत को प्रमोट? कोई नहीं कर रहा। करो, पहुंचा दो हमें मिलियंस तक, हम बंद कर देंगे। यही बोला पिताजी ने कि पहुंचा दो हमें 10 लाख तक, हम सारे वीडियो डिलीट कर देंगे जितने हमने पॉलिटिक्स पे बनाए। लेकिन आज 24 घंटे में 1 लाख सब्सक्राइबर्स चाहिए, अभी के अभी। अगर लाके देते हो अभी के अभी, मोदी पे लिखे जितने गीत हैं सब डिलीट कर देंगे। सहारा तो लेना ही पड़ता। वो तो उल्टा हो, तो वो तो ये कह रहे थे कि तू तो बोल दे जनता को कि हाँ मेरे पिताजी तो सांसद थे पहले, है ना, बाद में वहां कुछ नहीं हुआ इसीलिए संगीत में आ गए, अब संगीत में भी कुछ नहीं हो रहा इसलिए वापस पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। भाई पॉलिटिकल आदमी तो यही करता, पार्टी बदलता रहता है, नहीं बदलते क्या ये लोग? तो उन्होंने यही बोला कि बोल दे तू तो जनता को ये। तो बात ये है, मैं देखिए ये सारी जोश भरी और मजाकिया बातें ये सब तो मैं कर रहा हूं, पर कटाक्ष है ये सीधा सीधा कि आप बेवकूफ हो रहे हैं इस चीज को जानने में कि संगीत का या कला का सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल लेना देना है। आर्ट ड्रामा जो प्लेज होते हैं आज भी होते हैं, पॉलिटिकल प्लेज होते हैं। अगर आर्ट का लेना देना नहीं है, आप अखबार उठा के देख लीजिए। आरके नारायण, नाम सुना है आरके नारायण का? आरके नारायण राइटर हैं, कार्टूनिस्ट थे पहले वो, अखबारों में उन, ये क्या बोलते हैं, बाला साहब ठाकरे, कार्टूनिस्ट थे पहले वो, पॉलिटिक्स में आने से पहले कार्टूनिस्ट थे, अखबारों में छोटी छोटी मैगजीन्स में कार्टून्स बनाया करते थे, पॉलिटिकल सटायर बनाया करते थे। क्या है वो भी एक कला है ना, आर्ट ही तो है। हम गा के बता रहे हैं, वो लिख के बता रहे हैं, वो बना के बता रहे हैं, है ना। अगर आर्ट को पॉलिटिक्स से बाहर रखना चाहिए तो नारे बैन करो, फिर राइमिंग बैन करो ना। वहां क्यों राइम करते हो बैठे बैठे, वहां क्यों रदीफ काफिया मिला रहे होते हो, नारों में क्यों मीटर होता है, क्यों लगवाते हो फिर, अगर आर्ट को म्यूजिक से अलग रखना चाहिए। मैंने पहले ही कह दिया कि अगर सच्चे ही कलाकार की बात कर रहे हो तो पॉलिटिक्स नहीं, फिर दुनिया छोड़ो, उसे सच्चा कलाकार कहेंगे। फिर फर्क नहीं पड़ता कौन मेरी माँ, कौन मेरा बाप, और कहां मेरा पैसा, कहां मेरी बीवी। फिर आप सब कुछ छोड़ के संगीत में लग जाते हो 24 घंटे, हर पल दिमाग में एक नेगेटिव कोई दूसरा थॉट भी नहीं आता है आपके, इस तरह से फिर तो कलाकार होता है, वो तो भूख प्यास भी भूल जाता है। वो सिर्फ अपनी सहूलियत अनुसार से पॉलिटिक्स बाहर रख लो और बाकी जो जो अच्छा लग रहा है वो साथ में रख लो। हिपोक्रेसी नहीं कहेंगे इसे, साफ साफ हिपोक्रेसी है कि जो तुम्हें भा रहा है वो तो अच्छा है और जो तुम्हें तकलीफ दे रहा है वो बुरा है। वाह भी वाह। तो वो चीज है, मेरे गुरुजी, दादा गुरुजी शास्त्रीय संगीत के कलाकार हैं, अपना जीवन खपा दिया उन्होंने शास्त्रीय संगीत में और आगे कुछ किया नहीं, है ना, इसमें बदला नहीं इन्होंने, ऐसा नहीं किया कि कुछ लाइट म्यूजिक में घुस के ज्यादा फेमस हो जाए या कुछ उलझुलुल कर दें हरकतें, नहीं कुछ नहीं किया, शास्त्रीय संगीत किया पूरी उम्र, और बचपन से आरएसएस में रहे हैं। आज भी हम जो गाने रिकॉर्ड कर रहे हैं उनके आरएसएस के गीत हैं, संघ के गीत हैं, जो देश की महिमा गा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो? अगर शास्त्रीय संगीत में है तो उनको ये करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्रीय संगीत से तो पॉलिटिक्स को बाहर रखो भाई। क्यों आरएसएस के गीत गा रहे हो? आरएसएस के गीत गाना भी फिर तो पॉलिटिक्स हुई ना। पॉलिटिक्स ये जो शब्द है ना, इसको लोगों ने सिर्फ एक दायरे में बांध दिया है। पॉलिटिक्स कहां नहीं है वो बताओ ना मुझे, पॉलिटिक्स कहां नहीं है? पॉलिटिक्स मतलब सिर्फ ये नहीं होता ये नेता वोट, इसको ही पॉलिटिक्स नहीं कहते लोगों को, तो शब्दों के मानी नहीं मालूम, मीनिंग नहीं मालूम है, आधे अधूरे उसके मीनिंग मालूम है, उसी में गलतफहमी जी के अपने मीनिंग खुद बना के खुद को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि यही होता है पॉलिटिक्स का मतलब। तो
है ना, जैसा मैं अभी बता रहा था मैंने जैसे हवस शब्द का इस्तेमाल किया, तो उसका लोगों ने एक कॉनोटेशन, एक मीनिंग बना रखा है कि उसका मतलब तो जिस्म की भूख ही होता है। लोग भूल जाते हैं चमन, चमन का मतलब गाली बना लिया है। आपके सहूलियत अनुसार आपने उस शब्द का मीनिंग ले लिया है, और यही होता है, मैं तो यही समझता हूं भाई, मेरे लिए तो यही है। अरे तो तुम्हारे लिए ये है ना, इसको डिनायल कहते हैं साइकोलॉजी की भाषा में, कि आप रियलिटी से, आप रियलिटी को मान नहीं रहे हो, है ना, कि ब्रेकअप हो गया उस इंसान से, वो अलग हो गया है, नहीं नहीं सिर्फ झगड़ा हुआ है, अभी आ जाएगी वापस, कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं, मतलब तो बात नहीं कर रही है बस मुझसे, हाँ बस ब्लॉक ही तो किया है, डिनायल कहते हैं इसे, है ना, साइकोलॉजी की भाषा में मानसिक ये बीमारी है आपकी, जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जो रियलिटी है, जो इंसान मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है देश के लिए, क्या नहीं कर रहा है, अगर उसके बारे में चार बातें, अच्छा पुरानी जो कांग्रेस थी या कोई और थी उसके बारे में बुरी बातें बोलेंगे ना, किसी को बुरा नहीं लगेगा, किसी के बारे में बुरा बोलना लोगों को उसके लिए बुरा नहीं लग रहा, उसको तो प्रमोट करेंगे। आज अगर मोदी साहब पे हम लोग बुराइयां करने लग जाएंगे, जैसे मुझे बोला गया, मेरे कई मैसेजेस आए मेरे पास कि आप ये बंद कर दीजिए, नहीं तो मोदी के जो हेटर्स हैं वो आपके दुश्मन बन जाएंगे। लाइट म्यूजिक के जो लवर्स हैं और जो क्लासिकल म्यूजिक के हेटर्स हैं, वो भी तो हमारे दुश्मन बने फिर रहे हैं फिर तो, जब हम मना कर रहे हैं कि खर्ज का रियाज नहीं करना है, जब हम कह रहे हैं कि सवेरे उठ के करना है और कभी नहीं करना है, तब भी तो वो दुश्मन ही बन रहे हैं ना हमारे। हम सच की बात करेंगे तो झूठे तो हमारे दुश्मन बनेंगे ही ना, क्यों नहीं बनेंगे? तो हम डर जाएं इस बात से कि भाई झूठे दुश्मन बन रहे भैया, नहीं ऊपर तो ओ पता नहीं क्या हो जाए सब, हमारा चैनल ना बैन हो जाए। और अगर चैनल बैन होता है तो बहुत बढ़िया बात है, इसका मतलब ये साबित हो जाएगा कि हम सच्चा काम कर रहे थे, क्योंकि रोक सच्चाई पे ही लगती है। आपको कोई मना नहीं करेगा, है ना, आपको कोई ये नहीं कहेगा कि ज्यादातर लोग ऐसे जो आम इंसान है वो ये नहीं बोलता कि सवेरे उठ जाओ 3-3 बजे, आम इंसान ज्यादातर यही बोलता, हाँ आराम से सो यार, उसमें क्या है? आप भी खुद को यही बोलते हो, है ना, तो नेगेटिव चीजों पर तो कोई बुरा नहीं बोलता है, लेकिन अच्छी चीजों की बुराइयां करेंगे, ऑल्टरनेट ढूंढ लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि सवेरे उठना है, दोपहर में नहीं कर सकते क्या, शाम में कर, मेरे को समय नहीं मिलता, मैं नाइट ड्यूटी करता हूं एक्चुअली, सबके पास अपने बहाने हैं। बोला सूर्य उदय से पहले, सर हमारे यहां तो सूरज उगता ही नहीं है, हम तो विदेश में हैं, तो हम क्या करें, तो बहाने लोग ढूंढ लेते हैं, ऑल्टरनेट ढूंढ लेते हैं, तो झूठ का ऑल्टरनेट, मतलब सच के सारे ऑल्टरनेट हैं झूठ, लेकिन सच एक ही होता है, ये याद रखना। झूठ के बहुत वर्जन्स होते हैं, मैं आपको कुछ बोल सकता हूँ, 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 लेकिन अगर मैं सच बोलूंगा तो आप चारों को मुझे एक ही चीज़ बोलनी पड़ेगी, क्योंकि सच एक ही होता है, सत्य जिसे कहते हैं। वो बात अलग है कि सबके अपने अपने नज़रिए होते हैं, सबका अपना अपना वर्जन होता है सच का, है ना, पर अटल सत्य तो एक ही होता है ना। इस पर कोई नज़रिया है कि 24 घंटे का दिन होता है? इस पर कोई नज़रिया है कि सूरज इधर से उगता है और उधर डूबता है? ये तो अटल सत्य है ना। इस पे तो आप ऐसा नहीं कह सकते, नहीं इसको इस परस्पेक्टिव से, इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूरज यहां से नहीं वहां से उगता है, वो तो नहीं कह पाओगे ना। ये धरती है, वो आकाश है, ये हवा है, हवा रुक गई तो मर जाओगे, ये तो अटल सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ्स को कोई नहीं बदल सकता है। और अगर उस पर हम बात करते हैं और लोगों को कटाक्ष होता है, लोगों को बुरा लगता है, तो मेरे ख्याल से आर्ट का तो यही काम है, और हम करते रहेंगे और करते आए हैं लोग, और सब करते रहेंगे, तब भी करते हैं लोग, है ना। आर्ट की खिलाफत हमेशा से हुई है, प्लेज बैन हुए हैं, बुक्स बैन हुई हैं, गाने बैन हुए हैं, मूवीज बैन हुई हैं। टॉयलेट एक प्रेम कथा, क्यों बनाया फिर? आर्ट को बाहर रखो, ट्रांसजेंडर पे मूवी बनाई, बाहर रखो ना, क्यों आर्ट, आर्ट का सहारा क्यों ले रहे हो? भी आर्ट तो बड़ी प्योर चीज है, आप ये क्या सोसाइटी की फालतू बातें जो चल रही है आप उसको क्यों घुसा रहे हो? उसमें पॉलिटिक्स ही तो है। ये धर्म पे पिक्चर नहीं बनती है, पीके बनी, ओ माई गॉड बनी, चंडीगढ़ करे आशिकी वो जो अभी बनी, ये क्यों बन रही है फिर पॉलिटिकल सटायर्स पे? या राजनीति के जो मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, यही मुद्दे हैं, इन पर पिक्चरें क्यों बना रहे हो फिर? बाहर रखो। पैडमैन बनी, ये सारी क्या है? ये सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है ना, इन पर पिक्चरें क्यों बना रहे हैं? आर्ट बाहर रखो ना फिर, इस पे गीत क्यों बन रहे हैं? अच्छा उसमें, उस मूवी में जो गीत आ रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, वो गीत अच्छे, उनको प्रमोट करो, है? और हमने गीत लिख दिए तो बुरा? वाह भी वाह, कल कह रहे थे ना पापा कि वो करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, वो करें तो चलेगा, दूसरे करें तो उसको आप प्रमोट करेंगे, लेकिन हम करेंगे तो नहीं भैया, ऐसे आपको नहीं करना चाहिए, आप तो भाई सही शुद्ध आदमी हो। हाँ है तो करो ना हमारी शुद्धता प्रमोट, अगर इतनी हमारी शुद्धता का तुम्हें भान है कि हम बड़े शुद्ध आदमी हैं, क्लासिकल वाले आदमी हैं, तो हमारा क्लासिकल क्यों नहीं कर रहे हो प्रमोट? कर रहे हो क्या? उस उन पे तो व्यूज नहीं दे रहे हो,
और यही हम चार फालतू बातें कर देंगे ना, उस पर व्यूज दे दोगे हैं? अगर मैं वीडियो डालता हूं इस चीज पर कि तिहाई क्या होती है, राग क्या होती है, आलाप क्या होती है, मूर्छना क्या होती है, ग्राम क्या होती है, ऐसी गूढ़ बातें जो शास्त्रों में लिखी है, जो लोग बताते तक नहीं है प्रैक्टिकली, जब उन पर बात करता हूं 2,000, 3,000, 4,000 व्यूज, और ऐसे टॉपिक डाल दिए कि संगीतकार के बाल क्यों लंबे होने चाहिए, जल्दी से आसानी से संगीत कैसे सीखे, 2 मिनट में सीखे नागिन धुन, उस पर 1,000,000 व्यूज, वारी जनता। अगर तुम ऐसे फालतू टॉपिक्स पे मुझे व्यूज दोगे, मैं फालतू टॉपिक्स बनाऊंगा, मैं उन्हीं पर बात करूंगा, लेकिन उनमें भी मैं अपना सटीक जवाब ही दूंगा। तुम्हारे सवाल कितने भी अजीब हों, मैं उसमें यह नहीं बताऊंगा कि जल्दी कैसे सीखा जाता है, मैं उसमें तब भी यही बोलता रहूंगा कि नहीं सीख सकते जल्दी, मुमकिन ही नहीं है। तो यह आपके ऊपर है कि आपको कैसा जानना है और आपको क्या दिखता है। अगर आप सच को नजरअंदाज करना चाह रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि सच झूठ हो जाएगा। नजरअंदाज कर देने से, इग्नोर कर देने से हकीकत गायब नहीं हो जाती, हकीकत हकीकत ही रहती है। तो आर्ट का काम है कि वो सोसाइटी को जगाएगा, और जगाता रहा है और जगाते रहेंगे हम। सो आपके ऊपर है कि आप कौन सा आर्ट पसंद करना चाहते हैं। अगर पॉलिटिक्स को बाहर रखना है संगीत से, दुनिया को बाहर रखो और छोड़ दो दुनिया, छोड़ सको तो छोड़ दो।